संसद के विशेष सत्र को लेकर इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टी में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने इन 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। संसद के विशेष सत्र में कोई भी विधेयक पेश नहीं होगा, न ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। 5 दिन में 4 से 5 प्रस्ताव लाए जाएंगे जिन पर चर्चा होकर उसे ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तो दोनों ही सदनों की चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए गए हैं, लिहाजा ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो लंबित पड़े किसी महत्वपूर्ण विधेयक जैसे महिला आरक्षण विधेयक या एक देश एक चुनाव के पेश होने की संभावना बनती है। सूत्रों का कहना है कि G20 चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, देश के तीसरी आर्थिक शक्ति बनने और इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करने को लेकर सरकार प्रस्ताव पेश कर चर्चा के बाद उसे पारित करा सकती है। विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण के विधेयक को पास करने का विशेष सत्र का औचित्य नहीं है। ये विधेयक 2010 में राज्यसभा से पारित है, आम राय नहीं बनने से लोकसभा में नहीं लिया गया। लेकिन लगातार जो इंडिया अलायंस है वो इस सत्र को बुलाए जाने पर भी सवाल पूछ रही है, वो सरकार की मंशा पर जो है सवाल उठा रही है, कहा जाए तो एक तरीके से शक कर रही है और ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि ये विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया गया है।